हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज वी नो, न्यूटन हैज़ गिवन थ्री लॉज ऑफ मोशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड द थर्ड लॉ इज़ फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वही बॉडी दूसरी बॉडी पे सेम फोर्स लगाती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब मान लो हमारे पास अगर कोई दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी, तो इट मीन जो ए है वो बी पे फोर्स लगा रही है तो बी भी उतना ही फोर्स ए पे लगाएगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इट मीन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं गन में से तो बुलेट आगे चली जाती है और जो गन है वो पीछे को मूव हो जाती है। इट मीन जितनी फोर्स बुलेट पे लग रही है उतनी ही फोर्स गन पे भी लगती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वी कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहले हमने दो बॉडीज़ ली ए एंड बी। तो जो बॉडी ए है उसका मास है एम वन, बॉडी बी का मास है एम टू। सबसे पहले जो बॉडी वन है ए है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है यू वन, और जो सेकंड बॉडी है बी वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी यू टू। उसके बाद क्या होता है कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद जब वो सेपरेट होती हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, फर्स्ट बॉडी की वी वन और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है वी टू। अब यहाँ पे देखो, जब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो जो ए बॉडी है वो बी पे फोर्स लगा रही है, एक्शन हो रहा है, और जो बी बॉडी है वो ए पे सेम फोर्स लगा रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इट मीन इट इज़ अ रिएक्शन, तो याद रखना आपने। और हियर यू वन इज़ ग्रेटर देन यू टू, मतलब यू वन जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम है। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर मोमेंटम ए बॉल का। हमने फॉर्मूला किया था, जो लीनियर मोमेंटम होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू वन, मास इज एम वन, देन द लीनियर मोमेंटम विल बी एम वन यू वन। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा बॉडी ए का, एम वन वी वन, बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी इज़ वी वन। सो एज वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, एम वन बी वन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, बिकॉज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली बॉल बी का कितना होएगा, फॉर बॉल बी द फाइनल वेलोसिटी इज़ वी टू एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू टू एंड द मास ऑफ बॉडी वी इज़ एम टू। सो द रिलेशन विल बी एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी। नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमने किया था कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर फॉर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा और इट विल बी पॉजिटिव। सो हियर एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू माइनस माइनस प्लस एम टू यू टू। अब वन वाली टर्म्स हम एक साइड करेंगे, ये देखो v वाली टर्म्स एक साइड और u वाली एक साइड, तो हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू यू वन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। मतलब क्या है कि जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम है उतना ही हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम आ रहा है जब हम बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कॉन्टिन्यू इन आर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।